हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शंकर सिंह और आप देख रहे हैं डीएस देखो और सीखो चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अपना मोबाइल में मनपसंद का रिंगटोन या सिंगटोन कैसे बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे मोबाइल के होम स्क्रीन पर। हाँ तो फ्रेंड्स, आपको रिंगटोन और सिंगटोन बनाने के लिए आपको एक ऐप्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वाला रिंगटोन बनाने के लिए है MP3 कटर। इसको आप लोग कहाँ से मिलेगा? इसको आप जाएंगे प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लिख दीजिए MP3 कटर। MP3 लिखने से ऊपर में आ जा रहा, देखिए फ्रेंड्स, MP3 कटर। तो इसको हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद 1 2 3 तीन नंबर पर है फ्रेंड्स, ये अच्छा लगता मुझे। तो इसको आप डाउनलोडिंग कर लीजिएगा। मेरा पहले ही ऑलरेडी डाउनलोडिंग किया हुआ है, इसीलिए अनइंस्टॉल ओपन बता रहा। तो मैं ओपन में क्लिक करूँगा, ठीक है फ्रेंड। तो ओपन में क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नज़र आएगा। तो सबसे पहले देखिए, आपको दिखाते हैं कट ए सॉन्ग मैजिक, ऊपर वाला फास्ट वाला ऑप्शन। तो इसको हम लोग क्लिक करेंगे। वहाँ क्लिक करने से आपके जितने भी फाइल में MP3 गाना सब जितना है ना, वो यहाँ पर आ जाएगा। वहाँ से आपका मन पसंद का रिंगटोन या सिंगटोन कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैं कोई सा भी एक तो MP3 चूज़ कर लूँगा, जैसे ए वाला। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसको बड़ा छोटा करने के लिए, इसको इधर घसकाने के लिए, जहाँ से आपको कटना है। जैसे मैं पहले सुन सुन के कटना पड़ेगा, जहाँ से बोली स्टार्ट होगा वहाँ से ही कटना पड़ेगा, तब अच्छा लगेगा। सिंगटोन में वही होता है, सिंगटोन मतलब अपना बोली वाला आवाज़, रिंगटोन मतलब सिर्फ मैजिक। देखिए यहाँ से जहाँ से टिड़िंग टुड़ंग बोल रहा है वहीं से कटना पड़ेगा। इसको चेक कर सकते हैं, यहाँ से ज़्यादा नहीं, 1 मिनट या 50 सेकंड तक आपको कटना है। बस फ्रेंड, यहीं तक कटेंगे हम, बस यहीं तक कटेंगे। यहाँ तक हो गया, उसके बाद आपको ऊपर में देखिए दिखा रहा है सेव में, सेव में क्लिक कर देंगे। सेव में क्लिक करने के यहाँ पर नाम लिखने का आएगा, कुछ भी नाम लिख दीजिए। हाँ, यही नाम रहने देता हूँ, अपने से कुछ भी नाम ले सकते हैं, ठीक है। मैंने नाम दे सकते हैं, रिंगटोन का नाम दे सकते हैं। तो उसके बाद सेव में क्लिक कर देंगे, सेव हो। तो उसके बाद फ्रेंड्स, आप उसको रिंगटोन या सिंगटोन में लगाने के लिए अपने फ़ोन में अपना सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद साउंड एंड वाइब्रेशन में ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर रिंगटोन बता रहा है ऊपर में, एक नंबर में, इसमें क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है, तो हम लोग चूज़ करेंगे चूज़ लोकल रिंगटोन, इसमें क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद अपना फाइल मैनेजर सेलेक्ट करेंगे। फाइल मैनेजर सेलेक्ट करने के बाद देखिए ऊपर में आ गया है रिंगटोन, तो जो कटा हुआ था ऊपर में आ गया है। तो उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद मोर करेंगे। मोर करने के बाद सेलेक्ट करने के बाद इसे ओके कर देंगे, तो रिंगटोन सेट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज को इतना ही। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए। ओके बाय।